गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब। तो मैं आपके लिए ले आई हूँ एक और हेयर कटिंग बैग से, मतलब जिनको अपना बिल्कुल भी लेंथ कम नहीं करनी है, बस थोड़े पूछ पूछ और इनके बाल आप देख लीजिए कि कैसे हैं। बिल्कुल पूछ पूछ, बड़े तो बहुत है लेकिन पूछ पूछ। और ये डिंकी की फ्रेंड है और ये बिल्कुल 13 ईयर की जो लड़की है उनके बाल काट रही हूँ। इनको बस पीछे से थोड़ा सा सिंपल सा 1 इंच ही चाहिए था, तो मैं उनके वो बहुत दर्द दर्द रही थी, वो कब से पीछे लगी थी कि आंटी काट दो, तो मैं सोची कि चलो कल इसे आपके साथ शेयर कर लूँ। काट रही थी तो देखिए मैं इसको इनकी सिर्फ स्ट्रेट करना है पीछे से, और आगे से थोड़ा सा लेयर दे दूँगी जो जो ईयर टू ईयर है वो सामने से मैं लेयर दूँगी और पीछे से थोड़ा सा स्ट्रेट ही रखूँगी। तो ये देखिए मैं काट रही हूँ, ये देखिए सिर्फ छोटे से लेग भी कम नहीं होगी, बच्चे खुश भी होगी। तो बोल रही थी नहीं, मैं पूछ रही थी कि इतना काटेगा, तो बोल रही थी हाँ। तो देखिए इतने बाल कितने लंबे हैं, तो बच्चों के आजकल केयर नहीं करते ना, तो उस वजह से पूछ पूछ भी दिखती है। तो ये देखिए इनके स्कूल में अलाउ नहीं है कि थोड़ा स्टाइलिश रहे करके, तो इसलिए वो है ना अब स्कूल बंद है तो करके बोल रही थी कि काट दो, तो मैं काट रही थी उनके वजह। ये देखिए वो उस दिन भी आई थी, उस दिन भी बोल रही थी कि काट दो, तो मैंने कल मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो कांटी ये देखिए हो गए बिल्कुल 5 मिनट में, और बिल्कुल थोड़े से ही काटे हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। पहले तो पतले पतले पूछ जैसे लग रहे थे, और मैं और भी चेकिंग करूँगी और थोड़ा सा ऊपर जाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनइवन सा लग रहा था, तो मैं पूरा क्लियर करूँगी और उसके बाद में, और मैं ना बिल्कुल ऐसे एक एक नहीं करके मैं बिल्कुल पकड़ के काट लेती हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट थे बाल, तो बहुत अच्छे इनकी जो बालों की हेयर की ग्रोथ थी ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अभी से इस उम्र में, मतलब अभी 13 ईयर की है, इतने बड़ा है, तो मैंने उनको बताया कि थोड़े से काटते रहना चाहिए बेटा। वो बोलती नहीं मैं कभी कैंची नहीं लगाती हूँ, मैंने कहा थोड़ा काट रहे। तो ये देखिए मैंने पीछे से इनके काट दिए, आप देख लीजिए, और मैं अभी थोड़ा सा और देख रही हूँ, थोड़ा मिलाते जा रही हूँ कहीं ऊंचा नीचा तो नहीं हो गया है। और बिल्कुल 5 मिनट में हो गए थे, 5 ही मिनट भी नहीं लगे थे, 2 मिनट में हो गए थे पीछे के। फिर मैंने उनको पूछा कि आप थोड़ा सामने से भी लेयर कर लो, तो बोले ओके, तो मैंने उनका कर दिया था। ये देखिए तो ये हो गया है इनका, और कितना अच्छा लग रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसा अच्छा लग रहा है ना, और ये 13 ईयर की है तो उस हिसाब से मैंने उनको काट दिया। तो फिर मैंने सामने से इनके ईयर टू ईयर पार्टीशन निकाल लिए, देख लीजिए। तो मेरा दिल नहीं हो रहा था इनके बाल काटने की, इतने लंबे बाल छोटे करने की, हो गए थे थोड़े शोल्डर तक, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लंबे नहीं थे और मैंने शोल्डर तक तो ईयर टू ईयर पार्टीशन निकाल लिए थे सामने से। और ये देखिए बस मैं और वो हो रही थी इतने, तो मैंने उसके नीचे से, क्योंकि इतने लंबे बाल और काटे ना तो बहुत ये लगता है, तो ये मैं एक ट्विस्ट कर लूँगी। ये देखिए मैंने काट, ये देखिए एक ट्विस्ट कर लिया मैंने, देख लिया आपने, और बिल्कुल सीधी वो है ना, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। मैं उनको वो बोल रही थी मुझे दिख नहीं रहा, तो मैंने उसको हाथ लगा के दिखा तो इतनी वो बोल रही थी ठीक है, तो मैंने एक ट्विस्ट कर लिया और निकाल गया। वैसे ये स्कूल में है ना तो अलाउ नहीं रहता है ना, और ये देखिए इतना काटा है मैंने। फिर मैं ना ये बीच में से मांग निकाल लिया, और फिर मैं टेढ़ी कैंची चला के लेयर दे दूँगी। ये देखिए जितने रहा ना शायद आपको, ये देखिए बिल्कुल टेढ़ा कैंची, और उसको बहुत पसंद आए थे, बोले थे बहुत अच्छे काटे हैं, और थोड़ी स्लाइसिंग दुखी क्योंकि ज़्यादा लेयर भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये देखिए उसको अच्छा लगा, और बोले थे हाँ बहुत अच्छे लगे, और मैंने उनको एक मतलब 2-3 इंच तो काटे होंगे उसको, 2-3। और ये देखिए फिर मैं और कंघी से कर लूँगी ताकि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है करके, क्योंकि उसको पोनी बांधना था और 2 चोटी स्कूल में, तो इस हिसाब से वो बोल रहे थे कि पोनी में आना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, और जो बाकी में वो जो अनइवन सा दिखता है ना, तो वो मैं थोड़ा सा उसको ट्विस्टिंग दे दूँगी, ये ट्विस्टिंग सॉरी वो काट लूँगी, थोड़ा सा सेटिंग कर लूँगी। फिर मैं इस साइड आऊँगी, ये देखिए इस साइड में इधर से बाल इधर मिलाए थोड़े से, आपको दिख रहे हैं ना, तो मैं वहाँ यहाँ से भी ऐसे स्लाइसिंग स्लाइसिंग ले जाऊँगी। ये देखिए और थोड़ा अच्छा लग रहा है, फिर और मुझे थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा था, तो मैं और कंघे से इसको रीचेकिंग कर लूँगी। ये देखिए फिर रीचेकिंग करने के बाद और मैं इसको है ना टेढ़ी कैंची चलाऊँगी और नोचिंग कर लूँगी। ये देखिए हो गया इनका सामने का,
और कि मैं और थोड़ा सा देख रही हूँ ताकि कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो, तो वो बोल रही थी थोड़ा सा मुझे इधर का थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैंने और इनको छोटे कर दिए, और इसको तो इतनी देखिए कितने प्यारा आ गए ना, तो इधर का भी मैं वैसे ही कर लूँगी ताकि सब बराबर दिखे। और इसको भी ये जो मुझे थोड़ा सा जो ऊँचे नीचे बाल दिख रहे थे अनियन से देख रहे तो मैं उसको काट लूँगी, हो गए ना। फिर मैं सब बालों को है ना पीछे ले आऊँगी, ये देखिए। और थोड़े से जो सामने के तो मैं थोड़ा सा उसमें मतलब स्लाइसिंग चला दूँगी और उसमें मिला लूँगी। और वो बोले कि नहीं मुझे बराबर मतलब उधर पूरे नहीं वी शेप में चाहिए, तो पीछे से मैंने स्ट्रेट रखे हैं बिल्कुल। और आपके साथ मैंने ये शेयर भी नहीं की थी स्ट्रेट वाली। और ये देखिए इधर भी मैं ना पूरी उसमें मिलाते जाऊंगी, थोड़े थोड़े स्लाइसिंग ही दूंगी ताकि मतलब जो वो छोड़े भी खुले भी बाल रखे तो थोड़ा अच्छा लगे, तो ओनली बना। फिर मैंने पूरे बाल सामने ले आए दोनों पूरे इधर के और उधर के, और मैं इसमें भी थोड़ा सा जो पूछ जैसे दिखती थी तो उसमें भी मैंने थोड़ी सी नोचिंग कर दी ताकि पूरा लेयर जैसा लुक आए, मतलब है तो स्ट्रेट ही लेकिन फिर भी मैं पूछ जैसी नहीं दिखनी चाहिए करके मैं थोड़ा सा इधर का भी कर लूँगी। और बहुत प्यारे दिख रहे थे गाइस, और मैं और पीछे ले जाऊँगी कैसे तो ये देखिए। और मैं थोड़ा सा उसको सामने क्या चाहिए था तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा जैसे चीन एरिया तक की ताकि वो कुछ पार्टी वार्टी में जाए तो निकाल सके, इस टाइप का मैं उनको काट दी तो मैंने बिल्कुल सामने के निकाले, देखिए आपको दिख रहे। और थोड़ा सा इसको एक पीस दे दूंगी और हो जाएंगे, ताकि गर्ल्स है यार और स्कूलों में नहीं अलाउ हुए तो उस हिसाब से उसको करना था, और क्योंकि अब घर में ही है करके वो बोल रही थी, और कभी पार्टी में जाए तो खुला भी रख सकते, और बोल रही थी कि पोने में आना चाहिए। तो ये देखिए मैंने बस चीन एरिया तक कि उसको बता रही इतना क्या, और इसमें मैं एक ट्विस्ट दे दूँगी ये देखिए, और फिर टेढ़ी टेढ़ी चीन बाद में चलाऊँगी, स्लाइसिंग दे दूँगी। और ट्विस्ट देखने के से क्या होता है जो जो लेयर है ना बहुत बढ़िया आ जाती है, तो काफ़ी स्टाइलिश लुक दिया है जैसा लग रहा है। और ये देखिए इनका फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है, और कैसा लगा गाइस तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये गर्ल्स स्कूल गोइंग गर्ल्स है तो इस कारण मैंने, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।